सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर ब्लॉग। सो गाइज, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में, माई वेज माई रूल्स में। तो एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने, जो कि रिव्यू होने वाला है बुलेट 360 क्लासिक का। तो उसे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं और किस तरीके की अपनी बाइक का रिव्यू है, वो मैं आज आपको दिखाऊँगा। और तब तक आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है अपनी बुलेट 350 क्लासिक जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त। और इस तरीके की अपनी बुलेट रॉयल इनफील्ड, जो कि 2022 VS6 मॉडल है। और सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन में जो आ जाते हैं हम, तो हमको हेलोजन वाली इसमें हेडलैम्प मिल जाती है सबसे पहले, और दो इसके DRL टाइप ये मिल जाते हैं, और हेलोजन वाले ही अपने को क्या नाम है इंडिकेटर मिल जाते हैं इसमें। और जो एज़ यूजुअल जो क्या नाम है इसके सस्पेंशन हैं वो ही टेलीस्कोपिक वाले हैं। और मेन क्या है, ड्यूल चैनल ABS है, इधर भी ABS है, इधर भी ABS है, ड्यूल चैनल ABS मिल जाती है फॉर द सेफ्टी रीज़न। बहुत अच्छी चीज़ है ड्यूल चैनल ABS, तो आप नेसेसरी क्या नाम है हो चुके हैं। तो अपने को क्या नाम है जो इसकी जो सीट है काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ मिल जाती है। तो अपनी ये मैट ब्लैक और क्या नाम है ये छोटे से यहाँ पे रेड कलर के स्टेप हैं, तो इस गाड़ी की क्या नाम है शो को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। तो पीछे आ जाता है रॉयल इनफील्ड का लोगो, और ये टेल लैम्प थोड़ा सा पिछली वाली से थोड़ा सा अलग कर दिया है, और ये साइलेंसर जो कि क्या नाम है पहले से काफ़ी जो उसकी आवाज़ है, जो उसकी साउंड है, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। जो कि क्या नाम है अभी जो नॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं, जो भी साउंड पोल्यूशन को लेके चल रही हैं चीज़ें, उन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें कम कर दिया गया है। और बाकी जो आपको इंजन दिख रहा है ये 350 CC का इंजन है, जो कि काफ़ी अच्छा पावर प्रोड्यूस करती है अपनी लॉन्ग रिव्यू लॉन्ग राइड के लिए। तो आ जाते हैं इसके कंसोल पर। कंसोल में बस थोड़ा सा ये है कि फुल डिजिटल अगर दे दिया जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता, तो यहाँ पे एनालॉग वाला डिजिटल मीटर मिलता है, और प्लस थोड़ा सा कुछ ये फ्यूल इंडिकेटर दिखाता है, और ट्रिप मीटर, इको मोड और सारी चीज़ें इसमें ही दिख जाती हैं। तो स्विच वगैरह अपने ये कुछ इस तरीके से इस बार दे दिए हैं, स्विच में काफ़ी सारी चेंजेस किए गए हैं। तो अपने ये मिरर्स मिल जाते हैं इस तरीके के राउंड शेप में। और बाकी अब देखते हैं इसका जो क्या नाम है फर्स्ट गियर जो क्या नाम है इसकी स्पीड होगी, सेकंड गियर स्पीड होगी, वो इसको चेक करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो अब अपनी बुलेट पे आ गए हैं, इसका देखेंगे फर्स्ट गियर चैलेंज जो भी होगा। तो चलते हैं फिर देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स आता है, क्या इसका वो आता है। चलने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, 350 CC का इंजन है, तो बहुत अच्छा जो क्या नाम है साउंड है, और जो क्या नाम है इंजन की रिफाइनमेंट लेवल है बहुत ही कमाल की है। तो यहाँ से देखते हैं अपना फर्स्ट गियर चैलेंज किस तरीके का आता है। तो कोई आ नहीं रहा है अभी, पीछे पूरी रोड खाली है, तो इसको बूस्ट देने में और ज़्यादा सही होगा। तो ये शुरू होता है यहाँ से 0 to 100 चैलेंज कितने उसमें शुरू होता है। तो सेकंड गियर ऑलमोस्ट 80, थर्ड गियर 100, फोर्थ गियर 100 क्रॉस, तो एक बार फिर से करेंगे, ट्रैफिक वगैरह आ गया तो दोबारा से इस चीज को करेंगे।
तो फर्स्ट गियर 40, सेकंड गियर 80, नब्बे, तीसरा 120 ही तक जा पा रही है ये, उससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा पा रही है। तो शायद हो सकता है कि रॉयल इनफील्ड वालों ने कोई इसमें मे बी हो सकता है कोई लिमिटर लगा रखा है जिससे की वजह से ये ज़्यादा स्पीड बूस्ट अप नहीं कर पा रही है। तो गाइज थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा एक वीडियो था जो कि क्या नाम है बुलेट के लिए, अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट क्लासिक के लिए था। तो बहुत मतलब स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है अपनी बाइक की। तो यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। चलो भाई चलो।